हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं एक ऐसी अपडेट जो आपका एक EPFO SSC का नोटिफिकेशन है, जो आपकी उसकी एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली वो जो नोटिफिकेशन था वो आ गया था। दो दिन उसको नोटिफिकेशन को आए हुए हो चुके हैं। तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा कि आपके जो एग्जाम का आपके जो एग्जाम की डेट्स हैं वो भी अनाउंस हो चुके हैं कि आपका स्टेनोग्राफर का और SSC का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो उसके बारे में बार देख लेते हैं। मेरे पीछे जो ये एक कटआउट है, ये आपका उसी जो आपकी ऑफिशियल PDF है NTA की, जो उन्होंने जारी किया था उसी का ही है। 4 जुलाई को ये आया था, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंशनड है इसमें कि जो आपका एग्जाम है स्टेनोग्राफर का वो 1 अगस्त को है, और जो आपका SSA सोशल सिक्योरिटी का जो आपका एग्जामिनेशन है वो 18, 21, 22 और 23, 4 दिन में आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक, तो आप काफी टाइम इसका वेट कर रहे थे। अप्रैल के अराउंड जो उसके फॉर्म्स थे वो आ चुके थे, तब उसके फॉर्म भरे जा चुके थे। तब से ये था कि मई को एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम होगा, जुलाई एंड तक भी हमें सुनने में आ रहा था। बट अभी जो है सारे जो आपकी चीजें हैं, सारे के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है। आज से आपके पास लगभग लगभग 1.5 महीना है। तो 1.5 महीने में आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, आपको उसमें आपको क्या करना है, क्या आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, हम आपकी एक्स्ट्रा हेल्प क्या कर सकते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं रखूंगा, हमेशा की तरह बहुत छोटा वीडियो होगा, उसी में आपको सारी जो आप पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करते हैं बहुत बेसिक चीज की। आपको कोई भी एक एग्जाम होता है तो एग्जाम में आप क्या देखते हैं, आपका पैटर्न, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, उसका सिलेबस क्या आएगा, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वहीं से आपकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी वहीं से स्टार्ट होती हैं। दो चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या होती है। पहली जो चीज है वो है आपका सिलेबस एंड पैटर्न, ठीक है, वो आप चाहे नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा तेज हैं, आपकी बुद्धि बहुत तेज बताई गई है, तो सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका PYP, है ना। PYP आपको मिल जाए या फिर आपको मॉडल पेपर मिल जाए, अगर PYP भी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर मॉडल पेपर मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो तब इसीलिए PYP बहुत जरूरी है, तो इसका PYP भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। PYP का लिंक, मॉक टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री PYP है, फ्री मॉक टेस्ट है, आप जाके उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं एग्जाम की, आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। इसमें आएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, जो कि 30 सवाल है 120 नंबर के, मतलब कि एक सवाल आपका 4 नंबर का है। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज, या फिर GKS को बोलते हैं, ये आपका 30 सवाल 120 नंबर। क्वांट्स है, वो आपका रीजनिंग था, आपका क्वांट्स है, 30 सवाल 120 नंबर। और जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन 50 सवाल 200 नंबर। लास्ट में आपके कंप्यूटर के 10 सवाल जो 40 नंबर के आएंगे। इस तरह से आपका पूरा पेपर जो है वो 600 नंबर का बैठेगा भाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना, 600 नंबर का पेपर बहुत बैठता है। एक सवाल 4 नंबर का है, तो लेवल भी आप समझ लीजिए कि लेवल भी आपका जो है एग्जाम का अच्छा खासा लेवल आएगा। कहीं ना कहीं आप देखिए CGL जो आपका प्री से थोड़ा सा ऊपर, मतलब मेंस के आसपास तक का लेवल जो आपको उसका जा सकता है सवालों का। सारे सवाल नहीं, 30 सवाल हैं, तो 30 में से कम 10 सवाल तो आप बहुत अच्छे एक्सपेक्ट कीजिए कि 10 सवाल आपके वही जो है वहां के वो आएंगे ही आएंगे। 20 को आप नॉर्मल ले सकते हैं, बट अगर 4 नंबर का सवाल है तो ये थोड़ा सा मतलब आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपकी जो कट ऑफ है, आपका जो पेपर का पैटर्न है, ये आपकी को नंबर ऑफ क्वेश्चन पर, उनकी मार्किंग स्कीम पर एंड उसके पे लेवल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है उन चीजों से, तो उसको आप जरूर देखिए। तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है, और 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो करना है। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको तैयारी कैसे करनी है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीना है। 18 को आपका पेपर है, 18 दिन वो हो गए, 23 दिन ये, ठीक है, 41 डेज बैठ गए, ठीक है, 40 दिन का आप मान के चलिए। तो 40 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको वहां पर हम वीडियो लेसन्स देंगे, आपको हम चैप्टर टेस्ट देंगे, MCQs देंगे, प्रैक्टिस के लिए सवाल देंगे। वहां आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप हमसे सारे सारे अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। इतना मटेरियल आपको मिलेगा, इतनी प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीजें मिलेगी जो आपको बाकी लोग नहीं दे पाएंगे। तो ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ अगले पूरे 1.5 महीने का पूरा शेड्यूल, इसको आप देखिए। EPFO की पूरी क्लासेस हैं, ठीक है, 11 बजे से हमारा 10 तारीख से जो उसका क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। अगले मंडे से आपका उसका क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट है, 10 जुलाई से
11 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, लाइव लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा आपका हमारे साथ, वहां आप हमसे अपने डाउट जो क्लियर कर सकते हैं सभी के सभी डाउट्स, ठीक है। ये देखिए आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे संडे, संडे आपका रिवीजन के लिए रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपकी पहली क्लास इंट्रो क्लास होगी, फिर आपके पास यहाँ पर क्वांट की क्लास है, फिर रीजनिंग क्लास है, इंग्लिश की है, कंप्यूटर की है। इसी तरह से आपके जो पांचों के पांचों सब्जेक्ट है सभी क्लास आपकी यहाँ पर होगी पूरे हफ्ते में, एक 1 आवर की लगभग आपकी एक क्लास होती है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल आपके सामने है ये देखो, ठीक है। 17 अगस्त तक आपकी सारी क्लासेस जो है यहाँ पर वो पूरी की पूरी जो है वो शेड्यूल्ड है। तो आपको बस क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है एग्जाम बी के साथ। 50% पास फास्ट आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां जाकर उसको आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे साथ एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। सिर्फ 1.5 महीने का टाइम आपको बस बचा है, तो 1.5 महीने में आप अभी, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि एग्जाम तब कभी भी हो, जब होगा ना आपको टाइम कम लगेगा। जब इसकी डेट नहीं आ रही थी तो आपको आप लोग बहुत क्यूरियस थे कमेंट्स में कि कब होगा कब होगा कब होगा, और अब जब आ गई है तो पढ़ना स्टार्ट करो फिर, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने में इस मौके को भुना लो, इस जॉब को अपने हाथ में ले लो, ठीक है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जितनी हेल्प हो सकेगी हाँ हम आपकी करेंगे। उसमें कोर्स के लिए नीचे जाइए, अपना आपको अपना आप जाके अपना आपको वहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको इसको फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए जहां तक ये लोगों को जाएगी, जितने लोगों की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, ओके। तो देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।